हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मंथन पे। भाई आप लोगों के लिए ना आज फिर से एक मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा वीडियो देख करके। अब यार आप लोगों बोले यार तू हर वीडियो में एक ही चीज बोलता है, बट भाई देखो होती है ना वीडियो बढ़िया, नहीं होती है वीडियो बढ़िया। Not bad. देखो भाई मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, जो भी है, चाहे वो कंपैरिजन वीडियो हो या किसी मोबाइल की वीडियो हो या फिर मैं कहूंगा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं 110% दे सकूं आप लोगों को। तो भाई आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि आज के टाइम में कितनी जीबी रैम हम लोग को लेनी चाहिए मोबाइल के अंदर, कि भाई कितनी जीबी रैम बहुत होती है हम लोगों को, कितने प्राइस रेंज के हिसाब से। और बिल्कुल मैं कहूंगा ना एक स्लोट प्राइस रेंज के हिसाब से बताऊंगा कि 10,000 तक का फोन है तो कितनी जीबी रैम चाहिए, 10 से 15,000 रुपए तक का फोन है तो कितनी जीबी रैम चाहिए, 15 से 20,000 रुपए होगा तो कितनी चाहिए, और 20 से ऊपर का फोन है तो भाई कितनी चाहिए। भाई बिल्कुल ना डिटेल में ही एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि आप लोग कितने प्राइस का मोबाइल अगर खरीद रहे हैं तो कितने जीबी रैम आप लोगों को लेनी चाहिए। और हर तरीके से, यही नहीं सिर्फ अगर आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो या सिर्फ गेमिंग फोन ले रहे हो तभी आप लोगों को ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। नॉर्मली आप मोबाइल ले रहे हो नॉर्मल यूज के लिए, डेली यूज के लिए, तभी भी आप लोगों को इतनी रैम तो लेनी चाहिए भाई जितनी मैं बताऊंगा आज वीडियो। तो वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप लोग 10,000 रुपए तक का मोबाइल ले रहे हो, मतलब कि 10,000 रुपए के अंडर में अगर आप लोग कोई मोबाइल ले रहे हो तो आप लोगों को कितनी जीबी रैम लेनी चाहिए। तो भाई यहाँ देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आजकल 2 जीबी रैम के तो बहुत कम मोबाइल आया गया है। हाँ तो वैसे 10,000 रुपए में भी रहे हैं, बट भाई अगर आप लोग खरीद रहे हो 10,000 रुपए तक का मोबाइल तो मैं कहूंगा आप लोग 3 जीबी रैम तो मिनिमम लो ही लो, मतलब 3 जीबी रैम तो होनी ही चाहिए भाई इस मोबाइल में। 2 जीबी के भी बहुत सारे मोबाइल आ रहे हैं 10,000 रुपए के अंडर में, बट आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए भाई 3 जीबी रैम, मिनिमम 3 जीबी रैम तो होनी चाहिए भाई मोबाइल के अंदर अगर हम मोबाइल खरीद रहे हैं 10,000 रुपए के अंडर में। तो ये चीज तो आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि भाई 10,000 रुपए तक का मोबाइल खरीदना। देखो चाहे वो 4 जीबी हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 3 जीबी तो होनी ही होनी चाहिए। बात करूं अगर मैं 10 से 15,000 रुपए के बीच की अगर आप लोग मोबाइल खरीद रहे हो जिसका प्राइस है 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक के बीच में, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 कितना भी हो, तो आप लोगों को ना मिनिमम यहाँ 4 जीबी रैम तो लेनी चाहिए भाई। 4 जीबी रैम तो होनी ही चाहिए, चाहे आप लोग गेम खेल रहे हो। देखो गेमिंग फोन भी आते हैं 10 से 15,000 रुपए के बीच में भी आते हैं गेमिंग फोन, तो उनके लिए भी कम से कम 4 जीबी रैम तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हम एक नॉर्मल यूज के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं और भाई हमारा 10,000-15,000 तक के बीच का बजट है तो 4 जीबी रैम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो नॉर्मल यूज के लिए मोबाइल खरीद रहे हो, चाहे वो गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए खरीद रहे हो, एडिटिंग के लिए खरीद रहे हो। तो भाई ये चीज तो ध्यान रखनी है, ज्यादा भले ही 6 जीबी ले लो आप, 6 जीबी ऑप्शन मिल रहा है तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 4 जीबी तो होनी चाहिए। बहुत सारे मोबाइल ऐसे भाई जो 12,000-13,000 रुपए में भी 3 जीबी रैम दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा देखो ऐसे मोबाइल को तो आप लोग इग्नोर करो। वैसे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है भाई, सिर्फ रैम ही नहीं होती, बट भाई रैम भी बहुत जरूरी होती है। और भाई अगर अब मैं बात करूं 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के प्राइस रेंज की, कि इस बीच में अगर आप लोग मोबाइल खरीद रहे हो 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 और 20,000 रुपए के आसपास का, तो कितनी जीबी रैम लेनी चाहिए। देखो भाई ये रेंज ऐसी है, इसमें बढ़िया से गेमिंग फोन भी आ जाते हैं, नॉर्मली मल्टीटास्किंग के लिए, एडिटिंग के लिए बढ़िया फोन आ जाते हैं, बढ़िया बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं बट हाँ बढ़िया आ जाते हैं। तो मैं यहाँ कहूंगा आप लोगों को कम से कम 6 जीबी रैम तो कंसिडर करनी चाहिए इस प्राइस रेंज में, 6 जीबी तो होनी ही चाहिए। ज्यादा आप 8 भी ले सकते हो, अगर 8 जीबी का फोन आ रहा है तो 8 ले सकते हो, बट 6 जीबी तो मिनिमम है भाई, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को हर प्राइस रेंज में। तो मिनिमम 6 जीबी आप लोगों को लेनी ही लेनी है अगर आप लोग 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में फोन खरीद रहे हो। और वहीं अगर मैं एंड में बात करूं 20,000 रुपए के ऊपर का अगर आप लोग कोई मोबाइल खरीद रहे हो, भाई 20,000, 25,000, 28,000, 30,000, देखो ये प्राइस रेंज ऐसी है, यहाँ पे फ्लैगशिप मोबाइल स्टार्ट हो जाते हैं 20,000, 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं भाई फ्लैगशिप। अब ऐसे तो भाई 1.5 लाख का भी फ्लैगशिप आता है तो बात अलग ही है, बट नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि 20-25,000 रुपए से फ्लैगशिप स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्राइस रेंज में भाई आप लोगों को कम से कम 8 जीबी रैम तो कंसिडर करनी ही चाहिए, 8 जीबी तो कम से कम लेनी चाहिए। और बहुत मोबाइल है भाई 6 जीबी रैम भी दे रहे हैं 20,000-25,000 रुपए में, तो मैं कहूंगा आप लोग 6 जीबी रैम ना कंसिडर करके आप 8 जीबी रैम तो मिनिमम खरीदो ही भाई, कम से कम 8 जीबी रैम तो चाहिए ही चाहिए भाई। 20,000-25,000 रुपए खर्च भी कर रहे हैं और फिर भी 6 जीबी और 4 जीबी रैम ले तो क्या फायदा भाई मोबाइल खरीदने का। और प्रोसेसर कितना भी दमदार हो भाई, प्रोसेसर कितना भी दमदार हो, देखो रैम तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं 3 जीबी या 4 जीबी रैम लेके हम लोग 40,000 का मोबाइल खरीद ले और उसके अंदर प्रोसेसर बहुत तगड़ा है भाई, बिल्कुल 1 नंबर का प्रोसेसर है, बट भाई परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाएगा वो प्रोसेसर उस रैम के हिसाब से। अब जितना एक बढ़िया प्रोसेसर परफॉर्मेंस दे सकता है 8 जीबी या 12 जीबी रैम के साथ, अब वो प्रोसेसर अगर हम लोग 4 जीबी रैम के साथ यूज करेंगे, 6 जीबी रैम के साथ यूज करेंगे, तो उस हिसाब की परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएगा ना जितनी वो 8 और 12 के साथ दे रहा था। तो देखो रैम के हिसाब से तो भाई ये चीजें बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखनी है फोन लेते टाइम की, इतनी तो मुझे चाहिए चाहिए मिनिमम। दुकान पे जाओगे आप खरीदने भाई, वो
पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बहाने बना के कुछ आइडियाज़ दे दे के बेवकूफ़ बनाएगा। क्यों? उसका तो भाई कमीशन सेट है, उसको पता है इस मोबाइल पर ज़्यादा कमीशन आ रहा है, इस पर कम आ रहा है, तो जिस मोबाइल पर उससे ज़्यादा कमीशन आएगा उसको वही बेचेगा आप लोगों को। कोई और मोबाइल खरीदने जाओगे वो कहेगा यार मोबाइल तो बेकार है, ये है वो, या आप लोग ये लो, ये है मेरे पास, ये सैमसंग का लो, या कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये वाला लो कि बहुत बढ़िया मोबाइल है, रियलमी का है, बहुत बढ़िया है, आजकल मार्केट में चल रहा है, इसका कैमरा बढ़िया है, प्रोसेसर बढ़िया है, तो आप लोगों को इन चक्करों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बात तो सही है भाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना दूर हो गया होगा अगर आप लोग फ़ोन खरीदने में कन्फ्यूज हो कितनी रैम लें कितनी नहीं लें। नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ भाई आप लोगों का जो भी डाउट है। बस भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छी नहीं भी लगी ना तो भी कमेंट करके बताना। अगर आप लोग मुझे बताओगे क्या कमी है मेरी वीडियो में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे पता चलेगा भाई, तभी तो इम्प्रूव करूंगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।